आगे और बात करते हैं ऑपरेशन सलमा की। पिछले 7 दिन, जी हां, पिछले 7 दिन से सच की तलाश की जा रही है। 5 साल से लापता न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी के राज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस वाले जमीन आसमान एक करते रहे, खुदाई जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जिस मिस्ट्री का राज कैद है, उस तारीख में जिस दिन सलमा ने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसी तारीख को वो लापता हुई, और अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 5 साल पुराने सैटेलाइट इमेज की पुलिस को तलाश है। आप भी देखिए 1 तारीख कितने राजदार ऑपरेशन सलमा। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ऐसे सूचना मिली है और कुछ लोगों ने बताया भी है, और एक जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं, जिसने बोला है कि शायद उसको ये लोग मार दिया। वो जिंदा दिल, उसकी आवाज में खनक, न्यूज एंकर का वो आखिरी पोस्ट। आखिरी तारीख की मिस्ट्री, फिर वो हो गई लापता। उसका कत्ल हो गया, लाश वहां दफन है। कब्र, कंकाल, सच की तलाश। सैटेलाइट इमेज से खुलेगा साजिश का राज। 1 तारीख कितने राजदार, दृश्यम 3। उसका अंदाज जरा अलग है, जिसकी आवाज में अलग खनक है। कभी वो वीडियो बनाती और ये वीडियो उसकी जिंदा दिली की कहानी को बयां करते हैं। 26 साल की उम्र में जो कामयाबी की बुलंदियां हासिल करती रही, 26 साल की सलमा सुल्ताना न्यूज एंकर जो अचानक लापता हो गई, ये मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री है, रहस्य है, जिस रहस्य का 1 तारीख से कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर जरा इस तारीख पर गौर करिए। थाना कुसमुंडा गुमशुदगी रिपोर्ट और सलमा सुल्ताना की मिसिंग रिपोर्ट की तारीख 21 अक्टूबर 2018। अब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट देखिए, खासकर तारीख पर गौर करिएगा, वही 21 अक्टूबर 2018, जिस दिन फेसबुक प्रोफाइल पर 7 पोस्ट किए गए, और पुलिस की फाइल में इसी तारीख को सलमा सुल्तान मिसिंग हो गई। आखिर 4 साल 7 महीने की ये रहस्यमयी गुमशुदगी क्या है? कुसमुंडा थाने में 2018 में एक महिला गुम हुई थी, उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था। तो उसकी विवेचना करते करते अभी हमने जब फिर से जांच करना शुरू किया कि फाइल कहाँ, मतलब क्यों उस पर अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया, वो कुछ लोगों से पूछताछ करा है, वापस से स्टेटमेंट लिया गया है, और हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। करीब 5 साल से सलमा के घर वाले उसका सुराग तलाश रहे हैं। इस बीच पुलिस की तफ्तीश बताते हैं, अज्ञात लाश जिसकी कदकाठी सलमा से मिलती है उससे भी पहचान की गई, लेकिन सलमा सुल्तान की मिसिंग की मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री है। और अब करीब 5 साल बाद पुलिस को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी है। वो इनपुट है, लापता लड़की की हत्या कर दी गई और लाश को
कोरबा दर्री मार्ग में गाड़ दिया गया और अब इसी इनपुट पर 31 मई से कंकाल की तलाश में पुलिस की टीम खुदाई करवा रही है। 5 साल बाद लापता युवती की तलाश। कंकाल से खुलेगा गुमशुदगी का राज। न सोशल मीडिया में वो एक्टिव, न घर वालों को मिला बेटी का सुराग। बैंक लोन में कैद गुमशुदगी का राज। 31 मई को खुदाई शुरू हुई, 25 फीट अंदर भी राज नहीं मिला। सच की तलाश में रायपुर से स्कैनिंग मशीन मंगाई गई। जगह मार्क की गई, शनिवार देर रात तक खुदाई हुई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे और अब 5 साल पुराने सैटेलाइट तस्वीरों से कब्र कंकाल की कहानी की तफ्तीश की जाएगी। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ऐसे सूचना मिली है और कुछ लोगों ने बताया भी है, और एक जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं, जिसने बोला है कि शायद उसको ये लोग मार दिया। यहाँ पे सर बता दिए जाने का सूचना है क्या ऐसा? ये अभी ये सूचना ही है, इसको हम लोग पुष्टि कर रहे हैं अभी। दरअसल 5 साल पहले इस इलाके में 2 लेन सड़क थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सैटेलाइट इमेज से उस जगह को मार्क किया जाएगा जिससे सच बाहर आ सके। इस कहानी में एक संदेही पुलिस के रडार पर है। जिम संचालक युवक शक के दायरे में है। सूत्रों की माने तो सलमा ने बैंक से लोन लिया था। 2018 में लोन की किश्त भरना बंद हो गई। ये वही साल है 2018 जब सलमा लापता हुई। ये किश्त वो लड़का भी भरता था। क्या बैंक लोन में कैद है लापता सलमा का राज? नहीं, अभी संदेही, जब तक हमें प्रूव नहीं हो जाता है कि डेड है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अभी तक वो हमारे लिए गुम इंसान। क्या वाकई सलमा की गुमशुदगी का कनेक्शन कंकाल की तलाश से है? क्या सलमा के साथ कोई अनहोनी हुई थी? आखिर सलमा सुल्तान कहां लापता हो गई? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।